अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है मैथमेटिक्स का, 10th मैथमेटिक्स का। ठीक, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में 2.1 पढ़ी थी, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा बोर्ड में एक और प्रॉपर्टी आती है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले प्रॉपर्टी उसने दी हुई है, सबसे पहले आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कितने। ठीक है, पहला जो प्रूफ है उसने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही प्रूफ किया हुआ है, और हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर है, इनके वैल्यूज़ भी हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यूज़ हैं, वैल्यू हमारे पास -1 +3i -2, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू है -1 -√3i/2। ठीक है, जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं, हमारे पास तीन वैल्यूज आती हैं, एक वन, एक ये वैल्यू आती है, और एक ये वैल्यू, और इस वाली वैल्यू को हम ओमेगा कहते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वेयर कहते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास है 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। इन्हीं की हमने आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी उसने दी हुई है, ईच ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्केयर ऑफ अदर। ठीक है, उसने कहा हमारे पास जितनी क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज दी गई हैं, इन सब का अगर हम स्केयर लें तो ये किसी दूसरे के इक्वल होगी। सपोज मैं ओमेगा का स्केयर लेती हूँ, तो हो सकता है ये ओमेगा स्केयर के इक्वल मुझे वैल्यू दे। ठीक है, मतलब हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का स्केयर होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की यहाँ वैल्यू लेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। ये है आपके पास प्रॉपर्टी 1। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास -1 +√3i/2, और ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1 -√3i/2। अब मैं सबसे पहले ओमेगा के जो है वो स्केयर लेती हूँ, इसको मैं प्रूव करती हूँ कि ये ओमेगा स्केयर के इक्वल कैसे आते हैं। ठीक है, -1 +√3i/2 का हमने ले लिया स्केयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसके स्केयर को ओपन करना है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म का हम अलग से स्केयर लिख लेते हैं ऐसे, और 2 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास देगा 4। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वो क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। देखें आपके पास एक टर्म माइनस में है और एक प्लस में है। ठीक है, a का हमने स्केयर ले लिया -1 का स्केयर प्लस √3i स्केयर। ठीक है, अब हमने लिखना है -2ab। ठीक है, -2, ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है √3i। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ओवर 4। अब आप देखिए -1 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, √3i का लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3, और ये कैसे आएगा, जब आप इसका स्केयर लेंगे √3 का स्केयर आप अलग कर लेते हैं, आयोटा का स्केयर आ जाता है, इसको इससे कैंसिल, और आयोटा की वैल्यू आपको पता है -1 है, और ये आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, 1 -3। अब आपने 2ab को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास देगा 2√3i/4। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या 3 और इसको करेंगे तो -2 -2√3i/4 आ जाएगा। 2 आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब आप 2 कॉमन लेंगे अंदर आ गया -1 -√3i/4, ये 2 इस 2 से कैंसिल, -1 -√3i/2। अब ये देखें, ये आपके पास किसकी वैल्यू, ओमेगा स्केयर की, हमने ओमेगा का स्केयर लिया और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ओमेगा स्केयर की आई है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड पार्ट भी इसी प्रॉपर्टी का हमें कैसे प्रूव करना है, आपने ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू का स्केयर लेना है और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ओमेगा की वैल्यू आएगी। ठीक है,
प्रॉपर्टी टू उसने दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वन। ठीक है, हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो वन आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ये आती है वन डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू वन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। जब इनका हम लोगों ने प्रोडक्ट लेना है हमारे पास आंसर जो है वो वन आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वन डॉट ओमेगा की आपको वैल्यू पता है क्या है, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एटा बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू। ठीक है, इन सब को आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस वन माइनस वन। इस वन को आप जब आप करेंगे यही दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगे, इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। माइनस वन को पहले मैंने माइनस वन से किया, फिर मैं इस माइनस वन को उससे करूँगी, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा, इन दोनों को आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, ये स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो इनका स्क्वेयर हो जाएगा ओवर फोर आपके पास आ गया। इस माइनस वन और इस माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा वन, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम है बिल्कुल। उसको आप सॉल्व करेंगे थ्री का थ्री और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन बाई फोर। ठीक है, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई फोर, फोर बाई फोर इक्वल टू वन। देखिए हमने प्रोडक्ट लिया और हमारे पास आंसर वन आ गया, दूसरी साइड आ गई, ये हमारा प्रूफ था। इस प्रॉपर्टी में हमने यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसने दी हुई है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट था कि आपने प्रोडक्ट लेना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का और वो हमारे पास आ जाता है वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उसने बोला है कि आपने सम करना है क्यूब रूट का और वो आपके पास आ जाता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, वन ओमेगा की वैल्यू आपने पुट करनी है माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम आपके पास आ गया टू, यहाँ आ गया टू प्लस इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा प्लस इंटू माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा इक्वल टू। ठीक है, टू इसको खोल के जब आप लिखेंगे माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू। आप देखें ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास आ जाती है टू, ये टू और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा टू माइनस टू बाई टू, टू और टू में से टू माइनस करेंगे ज़ीरो बाई टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के आ जाएगा, यही आपका प्रूव है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फोर दी हुई है ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है, हर क्यूब रूट है जो दूसरे का वो रेसिप्रोकल है, ये आपके पास है प्रॉपर्टी फोर। ठीक है, कैसे आपने ये प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल है, मतलब दूसरे क्यूब रूट के रेसिप्रोकल के इक्वल है। इसी तरह ओमेगा जो होगा वो किसका रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है प्रॉपर्टी नंबर टू, और प्रॉपर्टी नंबर टू थी वन डॉट ओमेगा, वन डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आपने ले लिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ओमेगा, और ओमेगा को आपने ले लिया। अब यहाँ से आप लोग ये चीज़ कैसे कंक्लूड करेंगे, देखें ये ओमेगा वन से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा ही हो गया। ठीक है, ये हो गया वन डॉट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल इसको ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर आपके पास वन के इक्वल आ गया। अगर आपने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा की निकाल लें, ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है तो वो निकालें, ओमेगा स्क्वायर की करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल के इक्वल आ गया ना,
जो हमने प्रूव करना है। इसी तरह यहाँ से आप करेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर इक्वल टू वन, आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो वन ओवर ओमेगा स्केयर आ जाएगा, उसका ओमेगा किसका रेसिप्रोकल आ गया ओमेगा स्केयर का, यही आपकी प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है आपके पास 2.2 और आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। अब आपने इन सब टर्म्स के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी कि आपने क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है क्यूब रूट आपने किसका फाइंड करना है, माइनस वन का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स को लेट कर लेते हैं, ये क्यूब रूट है किसका माइनस वन का। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, जब इसको हमने लेट कर लिया इसका मतलब क्या है कि ये इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, जब आप क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वन इधर जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि आपके पास दिया गया है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये आपके पास का फार्मूला। ये यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस बी लिखना है, एक्स प्लस वन एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास क्या होगा वन होगा और एक्स आ जाएगा। ये आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं। यहाँ से आपने क्या करना है रूट फाइंड कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाली को यूज़ करेंगे, ये हमारे पास एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक रूट हमारे पास ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ आपने क्या यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो आपने अब रूट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे यूज़ करते हैं, पहले आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। बी की माइनस बी, बी की वैल्यू है आपके पास माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन स्क्वायर, ए आपके पास ये है और सी आपके पास ये ओवर टू इंटू वन। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस माइनस वन माइनस फोर बाई टू। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टू। अब आपने यहाँ क्या करना है, माइनस को एक्सक्लूड करना है। क्या करेंगे, आपको पता है कि माइनस अंडर रूट में जब आ जाता है तो आपके पास वैल्यू देता है आयोटा की। ठीक है, वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री डॉट अंडर रूट माइनस वन बाई टू, आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू। ठीक है, अब आपके पास क्यूब रूट ऑफ माइनस वन क्या आ गया है, सबसे पहला जो रूट था वो था आपके पास वन आया था, फर्स्ट रूट हमने फाइंड किया था माइनस वन हमारे पास है, एक रूट वो हो गया। अब ये दो रूट हैं, इनको हमने ओमेगा और ओमेगा स्केयर कैसे बनाना है। ठीक है, ये ना तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है ना ही ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। ये आपके पास एक वैल्यू आपके पास वन प्लस अंडर रूट थ्री अयोटा बाई टू और दूसरी वैल्यू आपके पास वन माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा बाई टू। अब ना ये ओमेगा की वैल्यू है ना ओमेगा स्केयर की वैल्यू, आप क्या करेंगे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री अयोटा बाई टू, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्केयर की। ठीक है, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री अयोटा बाई टू और ये आपके पास आ गई है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है,
और कैसे, ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस लिख लेंगे, क्योंकि हमने इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू आई है, ठीक है। अब आपके पास क्यूब रूट ऑफ माइनस वन क्या आ गया, माइनस वन माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, तीन आपके पास आ गए, ठीक है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको रिड्यूस करना है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, रिड्यूस करना है वैल्यू को, या तो हमने उसको ओमेगा में लिखना है या वन में, और या उसको ओमेगा स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाती हूँ, ओमेगा की पावर उसने दे दी है 5। अब आपने इसको किस में रिड्यूस करना है, या आपने इसको वन में लिखना है या ओमेगा में, या ओमेगा स्क्वायर में आपने इसको लिखना है, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्यों, ओमेगा क्यूब की हमें पता है हमारे पास वैल्यू होती है 1, ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या करेंगे 1 को पुट कर लेंगे डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गई ओमेगा स्क्वायर में, ठीक है। हमने इसको रिड्यूस कर लिया ना, हमने ओमेगा स्क्वायर में इसकी वैल्यू लाई है, ठीक है। हमने इसकी पावर को रिड्यूस करके या ओमेगा लाना है या वन, और या ओमेगा स्क्वायर जो पॉसिबल हो वो लेके आनी है, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे ओमेगा 150 को, ठीक है। 4 पार्ट इसका दिया गया है ओमेगा 150, इसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की अगर आप वैल्यू लेते हैं 50, तो आपके पास दोबारा से 150 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू ले लेंगे, क्या आपके पास है 1 है इसकी वैल्यू, 1 की जब पावर 50 लेंगे तो हमारे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा 1, और हमने इसको रिड्यूस कर लिया इसमें 1 में, ओमेगा 150 को हमने रिड्यूस करके 1 आंसर ले आए, ठीक है। इसी तरह ओमेगा 201 को हम करेंगे जब, ये है हमारे पास पी आई पार्ट ओमेगा 201, ठीक है। ये हमारे पास होगा जब हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू लेंगे 67, तो हमारे पास दोबारा से पावर 201 आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 की पावर 67 लेंगे तो हमारे पास रिड्यूस होकर दोबारा से 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं करवाती हूँ इसका 8 पार्ट। 8 पार्ट में उसने दिया है ओमेगा की पावर 62 उसने दिया, इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसको हम लिख लेंगे ओमेगा 60 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 60 को ओमेगा क्यूब की मैं वैल्यू लिख लेती हूँ 20, ठीक है। करेंगे दोबारा से आपके पास 60 आ जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह 1, 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ही होता है, और ये आपके पास रिड्यूस होके आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसका 9 पार्ट है ओमेगा की पावर 521, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। आप इसको लिख लेंगे ओमेगा 519 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 519 जो है ओमेगा क्यूब की जब हम पावर ले लेते हैं 173, तो हमारे पास दोबारा से 519 आ जाता है, ठीक है। यहाँ 1 पुट कर लिया 73 डॉट ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर में, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं और 2.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, आपको सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।